वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये बेस्ट फाइव का सेगमेंट है और हमारे पास, सिंस हम इतनी मेडिसिन पे बात करते हैं, इतनी दवाइयों पे बात करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, वेरियस लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है या फिर कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ होती है उनके बारे में, आज हमारे पास लाइन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्म डी के स्टूडेंट्स हैं। और अभी फार्म डी एक सब्जेक्ट है जो उन लोगों ने लिया है, ऑप्ट किया है अपनी लाइफ में, और एक उनकी क्यों उन्होंने किस लिए है, क्या रीजंस हैं, क्या उनको उसमें फ्यूचर नज़र आता है, हाउ दे विल सर्व आर कंट्री, या उनके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट जो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी कंट्री का, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आज क्या सोचता है, वो लाइफ को किस तरह परसीव करता है, ये मालूम करना जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास लाइन से चार स्टूडेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपका सबसे मिलवाऊंगी। हमारे पास सबसे पहले मौजूद है शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बिल्कुल ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। अच्छा, शुमाइला के साथ मौजूद है सैरिश। कैसी है सैरिश? ओ सॉरी, नाम ही गलत हुआ, सिद्रा। सैरिश से मैंने करके देखा, मैं हूँ सैरिश। अब चार चार लोग आके बैठ गए तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। सिद्रा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक, आप भी फार्म जी की स्टूडेंट हैं? अच्छा जी, सिद्रा के साथ मौजूद है सैरिश। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी ठीक ठाक है, आवाज नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह, हाय अल्लाह। अच्छा जी, उनके साथ मौजूद है मुश्ताक। कैसे हैं मुश्ताक? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है। अच्छा जी, ये सब बड़े साबिर शाकिर बच्चे हैं, आपको उनके जवाब से अंदाजा हो क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि फार्म डी क्या सब्जेक्ट है और ये कितना नया है, पहले लोग फार्म डी है क्या? शुमाइला आप बताइए। पहले तो इट वाज बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना, बी फार्मेसी होती थी। बी फार्मेसी था, फिर उसको अपग्रेड करके फार्म डी, दैट इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अब वो पहले 4 साल का होता था, नाउ इट इज ऑफ 5 इयर्स। अच्छा, नाउ इट्स मोर टफ। इट इज, नो डाउट, इट्स मोर क्लिनिकल। इट्स मोर क्लिनिकल, एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्यों आप सब लोगों ने फार्म डी ऑप्ट किया? फार्म डी, लाइक आई हैड बेसिकली इंटरेस्ट इन मेडिसिन, मोर देन डायग्नोसिस आई वांटेड टू गो फॉर मेडिसिन। ठीक है, तो फार्म डी एक्चुअली वो डील करता है एक सारी एस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर ड्रग की सारी एस्पेक्ट को, मतलब पूरा, अच्छा, थ्रू आउट हम लोग को सब पता होता है कि कैसे बनी, कहाँ से आई, डॉक्टर्स नो दैट के किस तरह से क्या इंटरेक्शंस हैं जो कि आजकल हॉस्पिटल में नज़र आते हैं। अच्छा, अब हम इनसे जो हमारा एक सवाल चलता आ रहा है पोल का, हम आजकल के बच्चों की अप्रोच उस पर बेसिकली मालूम करना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे घरानों से हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छा उनका शऊर का लेवल है, यू नो, तो ऐसे बच्चों से बात करके इनके उससे आइडिया होगा कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरह जा रही है। जो हमारे पोल का सवाल है आज वो ये है, आप सब बच्चों से एक साथ, ठीक है, सवाल ये है कि क्या सादगी से शादी करना जुर्म है? जुर्म तो नहीं है, नहीं। जुर्म तो नहीं है, नहीं। लेकिन हम उसको मुजरिम बना देते हैं जो सादगी से शादी कर रहा होता है। अब किसी को भी मेरी इस बात का मतलब समझ में आया तो वो बता सकते हैं। इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सादगी से ही शादी करनी चाहिए, लेकिन आजकल की, मतलब जैसी लाइफ चल रही है, अगर कोई सादगी से शादी करता है तो सब उसको कहते हैं, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये पॉइंट आ जाता है, खाना अच्छा नहीं है, खाने पे ग्रेडिंग होती है जी, एग्जैक्टली, खा लेते हैं एंड में बोलते हैं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं था, इसकी शादी का खाना अच्छा नहीं था। अच्छा, तो हाँ हाँ, लोग बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा जी, लीव एवरीथिंग अपार्ट, हम लोग खुद हमारे घरानों में शादियाँ होती हैं, हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं, जब हमारा जो शादियों का फंक्शन किसी का आने लगता है तो महीनों पहले से प्रेपरेशंस, पहले उनकी शॉपिंग में उनके साथ जा जाके, फिर ढोलकियाँ, फिर डांस प्रैक्टिसेस, ये सब हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप में से कौन इसमें सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? हम सब हमारा एक्चुअली वी थ्री आर फ्रेंड्स ना, तो हम लोग एक ही साथ सब कुछ करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग अपनी, जब अभी होता है ना कि जब इंसान औरों के लिए इतना कर रहा होता है ना, तो हम दिल में भी आता है कि जब इतनी होगी तो मेरे लिए कौन करेगा, तो आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड्स आपके लिए सब करेंगी, वो जो आप इनके लिए करेंगे उस वक्त तक, आप इनके लिए करेंगी? हाँ, इंशाल्लाह मैं करूँगी, क्योंकि मैं क्या करेंगे, क्या से क्या करेंगे, चलो मालूम करते हैं ना। देखें भाई, सबसे पहले तो होता है कि
किस पार्लर से तैयार हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, ठीक है, ये होता है. फिर शॉपिंग्स, किसी एक फ्रेंड को पिक कर लेना एंड गो हेयर एंड देयर एंड गेट समथिंग लाइक शॉपिंग वगैरह करना. फिर ये होता है कि घर में आ जाओ, मेहमानों को देख लो, मतलब ऐसा तो होता है. और मैं करती भी, कौन करेगा डांस प्रैक्टिसेस, कौन करेगा इवेंचुअली. फिर सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे एंटरटेनिंग चीज यही आ जाती है, ढोल की, डांस एंड ऑल. तो ऑब्वियसली तो जब शुमाइला की शादी हो रही होगी तो आप लोग हेल्प आउट करेंगे, आप लोग करेंगे इसके लिए. आप क्या करेंगे मुश्ताक, अगर हमें आप शॉपिंग करेंगे इनके साथ? पहले तो मैं इसको शादी के लिए तैयार करूंगा. किससे? नहीं बस अच्छा ट्रिकी आंसर. किससे शादी के लिए तैयार करेंगे आप इसको? जो इसके मन में है. ओके ऑलराइट, वो उनका पर्सनल है तो वी विल प्रोबब्ली नॉट टॉक अबाउट दैट, बट चलिए दैट्स वेरी नाइस. बट अगेन जब सिद्रा की हो रही होगी तो सैरिश आप और मुश्ताक आप मिलके इसके लिए करेंगे. इसकी तो ऑलरेडी निकाह हो चुका है. निकाह कैसा हुआ था आपका? बहुत अच्छा. मतलब क्या, हाउ वाज द फंक्शन, हाउ वाज एवरीथिंग? क्या मतलब उसके पहले कुछ ढोलकियाँ की, फिर उसके लिए कुछ किया? नहीं, सडनली बस इतना हुआ था कि बस वो टाइम इतना हुआ नहीं कि कोई ढोलकी वोलकी का प्रोग्राम. ओके, इंशाल्लाह फैमिली कंप्लीट होने के बाद फिर जब पूरी प्रॉपर तरीके से जब शादी होगी तो ऑब्वियसली सब चीज़ें. और सैरिश के लिए करेंगे?